नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो देवी गंगा, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मुझ दासी का प्रणाम स्वीकार करें महादेव। मेरे अहो भाग्य, जो आपने मुझ दुखिया की सुध ली। ये तो तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा का प्रताप है गंगा, वरदान मांगो। तो क्या आप मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे? अवश्य देवी गंगा, यदि हमारे वश में हुआ तो हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। मेरे मन की बात से आप अनजान नहीं है नाथ, लेकिन अगर आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैं गंगा आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं गंगे, नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते, ये हमारे वश से बाहर है। तुम चाहो तो हमसे कोई और वरदान ले लो। नहीं भोलेनाथ, नहीं, मेरी कोई दूसरी इच्छा नहीं है। अगर आप मेरी तपस्या का फल देना चाहते हैं तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए, अन्यथा आप कहते हैं। किंतु ये संभव नहीं है देवी गंगा, ये विधि के विधान के विरुद्ध है। परंतु क्यों महादेव, आप मेरे साथ विवाह क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम माँ शक्ति पार्वती को वचन दे चुके हैं, और आप अपने मन से विचार त्याग दें, कोई और वरदान मांगे हमसे। नहीं भोलेनाथ, यदि आप विवश हैं तो मैं भी विवश हूँ। मैं सच्चे हृदय से आपको प्रेम करती हूँ और आजीवन किसी और को पति नहीं मान सकती। नहीं देवी, तुम्हारे त्याग और समर्पण दोनों में ही स्वार्थ है, तुम हमें पाने के लिए इनका प्रयोग कर रही हो। तो फिर ठीक है नाथ, अब आप कैलाश लौट सकते हैं। नहीं देवी, आपने हमें तपस्या कर यहाँ बुलाया है, आप जब तक हमसे वरदान नहीं ले लेंगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा ये बात है, तो फिर जो आप चाहें वो वरदान दीजिए। देवी गंगा, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि कालांतर में हम तुम्हें अपने शरीर पर धारण करेंगे और देवी पार्वती से भी ऊंचा स्थान प्राप्त होगा तुम्हें। तब तक मैं कहाँ रहूंगी महादेव? तुम ब्रह्मा जी के कमंडल में निवास करोगी देवी गंगा। जो आज्ञा महादेव। महाराज आप क्यों चिंता कर रहे हैं? ये चिंता का विषय नहीं तो और क्या है कि मेरे पूर्वज अपने पितरों की तृप्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर ला ना सके, और इसी के चलते चलते मेरी कई पीढ़ियां गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए अथक प्रयास करते हुए बीत गई। वो तो ठीक है महाराज, किंतु किंतु क्या गुरुदेव? क्या मैं भी महाराज सगर के 60,000 पुत्रों सहित पितरों की तृप्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सकूंगा? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा महाराज। तो ठीक है, आप ही मुझे गंगा को पृथ्वी पर लाने का उपाय बताएं। गंगा को पृथ्वी पर लाना बड़ा ही कठिन कार्य है महाराज। आप वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए और मुझे कोई ठोस उपाय सुझाएं। जैसी आज्ञा महाराज। देखिए राजन, अगर आप महाराज चाहते हैं सगर और उनके पुत्रों व अन्य पितरों की तृप्ति हो तो आपको कठिन से कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना होगा, तभी ये कार्य सफल हो सकेगा। ठीक है गुरुदेव, अच्छा अब मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। ठीक है राजन, प्रभु आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे। ओम ब्रह्माय नमः, 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 ओम ब्रह्माय। ये किसके जाप की ध्वनि है स्वामी जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है? ओम ब्रह्मा। हाँ देवी सरस्वती, सुन तो हम भी रहे हैं। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, नारायण नारायण। परमपिता ब्रह्मा और माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम। यशस्वी भव पुत्र। नारद क्या तुम बता सकते हो यह कौन है जो हमारे बीज मंत्र का उच्चारण कर रहा है? ये हिमाचल की पुत्री गंगा है जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका आह्वान कर रही है और आपके कमंडल में निवास करना चाहती है। फिर तो इसकी पुकार सुनकर आपको जाना ही चाहिए स्वामी। हाँ हाँ देवी, क्यों नहीं, हम अभी प्रस्थान करते हैं। भगवान भोलेनाथ की लीला भगवान भोलेनाथ ही जाने। नारायण नारायण।
नेत्र खोलिए पुत्री गंगा। ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, आपको गंगा का प्रणाम। सौभाग्यवती भव। हे ब्रह्मदेव, भगवान भोलेनाथ की आज्ञा के अनुसार मैं आपके कमंडल में समाना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे अपने कमंडल में जाने की आज्ञा दीजिए। तथास्तु देवी गंगा, आप सहज ही मेरे कमंडल में समा सकती हैं। ॐ ब्रह्म देवाय नमः। 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 हे भागीरथ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। उठो वत्स, नेत्र खोलो। प्रणाम ब्रह्म देव। आयुष्मान भव। हे परम पिता, आपने मेरी पुकार सुनकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। ये तो तुम्हारी घोर तपस्या का प्रताप है वत्स। कहो, हमसे क्या चाहते हो? मैं गंगा जी को मृत्यु लोक में ले जाकर अपने प्रत्येकों की दीप्ति और लोक कल्याण करना चाहता हूँ। इसलिए कृपा करके गंगा जी को मेरे साथ भेज दे। हाथ जोड़ भागीरथ बोले, हाथ जोड़ भागीरथ बोले, मैया देर करो ना, भूमि पर आ जाओ माँ गंगे, व्याकुल है नैना तरसे नैना तरसे नैना। गंगा बोली ऐसी जिद करो ना, मेरे तेज वेग को जग में कोई सह सके ना, जिद करो ना जिद करो ना। हाथ जोड़ भागीरथ बोले, Thank you.
का ध्यान लगाऊं, गंगा जी को लाऊं। बड़े दयालु भोले शंकर, उनका वचन टले ना, ध्यान लगाना ध्यान लगाना है ना। हाथ जोड़ भागीरथ बोले, ऐसी तपस्या करे भागीरथ, शिव की रटन लगाए, हिल गया सारा स्वर्ग लोक और इंद्र देव घबराए। आए शंकर भोले, भागीरथ से बोले, गंगा धरती पर आएगी तू निश्चिंत ही रहना, सुखी रहना सुखी रहना। भागीरथ से गंगा बोले, बैरागी गुण गाए, माँ को शीश झुकाए, जगमग ज्योत जले, गंगा के चढ़े फूल के दोना, ले लो दोना ले लो दोना। हाथ जोड़ भागीरथ बोले, मैया देर करो ना, भूमि पर आ जाओ माँ, गंगे व्याकुल है नैना, तरसे नैना तरसे नैना, जिद करो ना तरसे नैना, जिद करो ना तरसे नैना। हे गंगे, भागीरथ तुम्हें अपने साथ मृत्युलोक में अपने पितरों की तृप्ति के लिए तथा लोक कल्याण हेतु ले जाना चाहता है, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? हे ब्रह्मदेव, मैं भागीरथ और उसके पूर्वजों द्वारा किए गए प्रयास से अति प्रसन्न हूँ। जाने को तो मैं आपकी आज्ञा अनुसार इसके साथ जा भी सकती हूँ, किंतु 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 क्या माते, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई? नहीं पुत्र भागीरथ, किंतु बात यह है कि यदि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मेरे वेग को कौन संभालेगा? मेरा वेग तो प्रलयकारी है। अतः क्या तुम मेरे द्वारा इस पृथ्वी को जलमग्न करना चाहते हो? नहीं नहीं माते, मैं सृष्टि का विनाश नहीं चाहता, मैं तो लोक कल्याण चाहता हूँ। माते, क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? हे ब्रह्मदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप ही कोई उपाय बताएं। हे भागीरथ, इस ब्रह्मांड में गंगा जी के वेग को केवल महादेव ही संभाल सकते हैं, इसलिए तुम जाओ और महादेव जी को प्रसन्न करो। हे परमपिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने इस अंधे को रास्ता दिखाया। अब आपसे एक विनती है, मैं भोलेनाथ को प्रसन्न करूं और उसमें सफलता प्राप्त करूं, आप मुझे यह वरदान दें। जाओ वत्स, तुम्हारा कल्याण। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आगे क्या होगा नाथ? आगे आगे तो वही होगा देवी जो भोलेनाथ चाहते हैं। प्रणाम देवगण।
हे गंगा, हमें क्षमा करना, भूलवश हमारा पैर कमंडल से टकरा गया। भूलवश नहीं, आपने जानबूझकर मेरा अपमान करने के लिए ऐसा किया है। नहीं गंगा, यह तुम्हारा भ्रम है। श्री हरि का ऐसा उद्देश्य कदापि नहीं था। इनके इस कार्य में मेरा भ्रम नहीं बल्कि इनका अहंकार झलकता है। देवी सरस्वती, ये नारी जाति को हमेशा से ही दबाते आ रहे हैं। ये तुम कैसी बातें कह रही हो देवी गंगा? श्री हरि कदाचित ऐसा कार्य नहीं कर सकते, अवश्य ही उनसे भूल हुई है। हाँ देवी गंगा, इस अपराध के लिए मैं आपसे पूर्ण क्षमा मांगता हूँ। अपमान करके क्षमा मांगना कहाँ की रीत है श्री हरि? क्या आप मेरे अपमान की भरपाई कर सकते हैं जो मैं आपको क्षमा कर दूँ? क्षमा तो दूर की बात है, मैं एक पल भी अब यहाँ नहीं रुकूंगी। क्रोध को शांत करो देवी गंगा, क्रोध से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। नहीं ब्रह्मदेव, अब प्रलय होगी, सिर्फ प्रलय। हे ब्रह्मदेव, आप मुझे कमंडल छोड़ के जाने की आज्ञा दें। नारायण नारायण। परमपिता, माता, श्री हरि और सब देवगण, क्या हुआ? गंगा ब्रह्मलोक छोड़कर जाना चाहती है नारद जी। नारायण नारायण। माता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप ब्रह्मलोक छोड़कर जाना चाहती हैं? नारायण नारायण। जानती हूँ नारद जी, किंतु अब मैं यहाँ पे कदापि नहीं रहूंगी। परंतु यदि आप यहाँ से चली गई तो आपके विवेक को कौन संभालेगा? नारायण नारायण। ये मेरा अपमान हुआ है नारद जी, और ये जानबूझकर किया गया है। अब मैं इसका बदला अवश्य लेकर रहूंगी। श्री हरि ने तो आपसे क्षमा मांग ही ली है गंगा, फिर आपका अपमान कैसा? नहीं, ये अपमान केवल मेरा ही अपमान नहीं है, ये अपमान समस्त नारी जाति का अपमान है, और इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगी। इसीलिए हे ब्रह्मदेव, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं गंगा, मैं तुम्हें ये कार्य करने की आज्ञा नहीं दे सकता। तो मैं स्वयं यहाँ से निकलकर चली जाऊंगी। छोटा मुंह बड़ी बात। परमपिता, इस समस्या का निदान तो भोलेनाथ ही कर सकते हैं। नारद जी ठीक कह रहे हैं ब्रह्मदेव, इस समस्या से निवारण पाने के लिए प्रभु भोलेनाथ के पास जाना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो चलते हैं। हे शिव शंकर, अब आप ही कुछ कीजिए। प्रभु, अब आप ही हमें गंगा के प्रकोप से बचाएं। आप सब लोग शांत हो जाएं और मुझे ये बताएं कि आखिर गंगा क्रोधित क्यों है? हे आशुतोष, ब्रह्मा जी किसी विषय पर विचार कर रहे थे। जब मैं ब्रह्मलोक पहुंचा तो नादानी वर्ष मेरा पैर कमंडल से टकरा गया और देवी गंगा क्रोधित हो गई। और प्रभु, उन्होंने जल प्रलय करने की हट लगा ली है। तो आप हमें ये बताएं, इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? हे महेश्वर, इस त्रिलोक में एक आप ही हैं जो हमें विनाश से बचा सके। भोलेनाथ, अब तो आपको इन सब की सहायता करनी ही होगी। ठीक है, अब हम गंगा का आह्वान करते हैं। गंगे 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 गंगे। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम हमारी आज्ञा की अवहेलना करो। नाथ, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। गंगा मेरी बड़ी बहन है, इसलिए मुझे ब्रह्मलोक जाने की अनुमति दीजिए। नहीं महादेवी, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। महादेव, महादेवी पार्वती ठीक कह रही हैं। इन्हें मेरे साथ ब्रह्मलोक जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गंगा इनकी बात नहीं ठुकराएंगे और वो अवश्य कैलाश पर आएंगे। ठीक है देवी, यदि उसने तुम्हारी बात भी नहीं मानी तो? आप तनिक भी चिंता ना कीजिए स्वामी, मैं गंगा को कैलाश पर लेकर ही आऊंगी। अब आप मुझे ब्रह्मलोक जाने की आज्ञा दीजिए। देवी
देवी सरस्वती, कहाँ है मेरी बड़ी बहन गंगा? वो ब्रह्मदेव के कमंडल में विराजमान है, आप उनका नाम लेकर उन्हें बाहर बुलाएं। हे गंगा, मैं आपकी छोटी बहन पार्वती आपको बुला रही हूँ, कृपया करके आप कमंडल से बाहर आइए। पार्वती, अगर तुम मुझे मनाने के लिए आई हो तो उल्टे पांव यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि इस प्रकार अपमान का घूंट पीकर मैं किसी को क्षमा नहीं कर सकती। देवी पार्वती तुम्हें मनाने के लिए ही नहीं, अभी तो अपने साथ कैलाश ले जाने के लिए आई है देवी गंगा। हाँ जी जी, मैं आदिदेव महादेव की आज्ञा से आपको कैलाश ले जाने आई हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब तो सिर्फ प्रलय होगी प्रलय, और इस प्रलय को तीनों लोकों में कोई नहीं रोक पाएगा। यदि आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो भी प्रलय होगी, क्योंकि भोलेनाथ कैलाश पर क्रोधित बैठे हैं। वो किस लिए? आपने उनके आह्वान करने पर भी कोई उत्तर नहीं दिया, अतः वो क्रोधित बैठे हुए हैं। उनके क्रोध में आने से या उनके तांडव करने से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपकी भूल है जीजी, उनके क्रोध से आज तक कोई नहीं बच पाया, इसलिए मैं आपकी छोटी बहन होने के नाते आपसे विनती करती हूँ कि आप कैलाश पर चलकर उनके जटाओं में विराजमान हो, इसी में सबका कल्याण है। देवी पार्वती बिल्कुल ठीक कह रही हैं देवी गंगा, तुम्हें हमारे साथ ना देखकर यदि भोलेनाथ ने तांडव आरंभ कर दिया तो इस सृष्टि को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। और ये याद रखना देवी गंगा कि तुम भी सृष्टि का एक हिस्सा हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ कैलाश कदापि नहीं जाऊंगी। किंतु क्यों बहन? क्योंकि वो तो मुझे पहले ही तिरस्कृत कर चुके हैं, इसलिए मैं कैलाश कभी नहीं जाऊंगी। तुम दोनों वापस लौट जाओ। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भागीरथ, आंखें खोलो पुत्र, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। मांगो, क्या मांगते हो? भगवान भोलेनाथ के चरणों में दास भागीरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी, मुझ पर बड़ा उपकार किया। क्या बात है पुत्र भागीरथ, जो तुमने इतना कठिन तप कर डाला? हे भगवान भोलेनाथ, हे आशुतोष, आप श्री गंगा जी को पृथ्वी पर आने के लिए कहें, मेरे पुरखों की आत्मा को तृप्त करें और जन कल्याण करें। तथास्तु। पुत्र भागीरथ, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, समय आने पर गंगा तुम्हारे साथ पृथ्वी पर अवश्य जाएगी। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसा दुस्साहस कि तुम शिव शक्ति के आह्वान को अनसुना करो। गंगे, अब तुम्हें कैलाश आना ही पड़ेगा।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आओ पुत्र भागीरथ आओ। मैं धन्य हुआ प्रभु, जैसे ही मुझे पता लगा कि आपने माँ गंगा को अपनी जटाओं में स्थापित कर लिया है, मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास चला आया। हाँ भागीरथ, अब तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। बस प्रभु, और मेरी आशाओं को पूर्ण करें। हाँ पुत्र भागीरथ, अब और विलंब नहीं होगा। हे गंगे, अब तुम पृथ्वी पर बहोगी और जल कल्याण करते हुए भागीरथ के पितरों की आत्माओं को तृप्त करोगे। सभी लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और आज से तुम्हारा नाम भागीरथी भी होगा। जैसी आज्ञा भोलेनाथ, लेकिन क्या आप मुझे अपने से दूर करना चाहते हैं? तुम दूर रहकर भी मेरे पास ही रहोगी, क्योंकि कालांतर में जो भी भक्त तुम्हारे जल द्वारा मेरा अभिषेक करेगा, तो मैं प्रसन्न होकर उस भक्त के समस्त दुखों का विनाश करूंगा। और तुम तरंग तारिणी कहलाओगे और सागर में मिलकर सागर का मान बढ़ाओगे। जैसी आज्ञा भोलेनाथ। हे भागीरथ, तुम जलधारा के आगे आगे चलकर गंगे को मार्कंडेय ऋषि के आश्रम ले जाओ और अपने पितरों का तर्पण करो। आप धन्य हैं महादेव। आइए माते। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। हे माते, यही वो स्थान है यहाँ महाराज जगत अपने 60,000 पुत्रों के साथ आपस में कट कट के मर गए। माते, उनकी आत्माओं को तृप्त करें और उन्हें मुक्ति दें। तथास्तु पुत्र। आई है जब ये अंतिम घड़ी, आई है जब ये अंतिम घड़ी, गंगा जल की जरूरत पड़ी। शरण है बड़ी गंगा जल की, ओ गंगा जल की जरूरत पड़ी। ओ आई है जब ये अंतिम घड़ी गंगा जल की जरूरत पड़ी। Thank you.
जब लगे हथकड़ी गंगा जल की। गंगे माँ तेरे बिना तक गंगा मैया है साथी तेरी जन्म से लेके और अंत तक गंगा मैया है साथी तेरी पाप सारे मिटाती है ये हर विपदा मिटाती तेरी देवों को मुक्ति मिली तेरा भी गंगा घाट पर महापुरुषों को भक्ति मिली ओ भक्ति मिली भागीरथ की कथा भी जुड़ी गंगा जल की जरूरत पड़ी गंगे माँ गंगा जल की जरूरत पड़ी गंगे माँ गंगा जल की जरूरत पड़ी गंगे माँ गंगे माँ गंगा जल की जरूरत पड़ी बस माते अब आगे चले आगे चलो हे माते अब आप सागर में विलीन हो जाएं और मुझे आज्ञा दें
जाओ पुत्र, तुम्हारा नाम इस सृष्टि में सदा सदा के लिए अमर रहेगा और तुम्हारा परिवार सदा ही मेरी कृपा का पात्र रहेगा। जय गंगे मैया। जय माता दी। हे पतित पावनी गंगे माँ उपकार तू कर दे, हे पतावनी गंगे माँ उपकार तू कर दे, हे पाप नाशिनी माँ मेरा उद्धार तू कर दे, हे पाप नाशिनी माँ मेरा उद्धार तू कर दे, हे पतित पावनी गंगे माँ उपकार तू कर दे। मझधार में माँ गंगे बेड़ा पार तू कर दे, मझधार में माँ गंगे बेड़ा पार तू कर दे, हे गंगे माँ हम भक्तों का उद्धार तू कर दे, हे गंगे माँ हम भक्तों का उद्धार तू कर दे, हे पतित पावनी गंगे माँ उपकार तू कर दे, हे पतित पावनी गंगे माँ उपकार तू कर दे। पावनी गंगे माँ उपकार तू कर दे, हे पतित पावनी गंगे माँ उपकार तू कर दे। झोलियां भर के तेरे दरबार से आती है दुनिया झोलियां भर के, चले आए गंगे माँ हम यही उम्मीद लेकर के, चले आए हम गंगे माँ यही उम्मीद लेकर के, दे करके वरदान माँ भंडार तू भर दे, दे करके वरदान माँ भंडार तू भर दे, मझधार में माँ गंगे बेड़ा पार तू कर दे, हे पतित पावनी गंगे माँ उपकार तू कर दे। दोबारा आने को तेरे दर पे अर्जी लगाई है, दोबारा आने को तेरे दर पे अर्जी लगाई है, हे गंगे माँ अर्जी मेरी स्वीकार तू कर ले, हे गंगे माँ अर्जी मेरी स्वीकार तू कर ले, हे पतित पावनी गंगे माँ उपकार तू कर दे, मझधार में माँ गंगे बेड़ा पार तू कर दे, हे पाप नाशिनी माँ मेरा उद्धार तू कर दे, हे पाप नाशिनी माँ मेरा उद्धार तू कर दे, हे पतित पावनी गंगे माँ उपकार तू कर दे।
सोनू टेक कैसेट्स